क्या देखिए चुनाव संबंधित जो है आप लोग को विधि व्यवस्था में क्या क्या करना है नहीं करना है इसके संबंधित आप लोग चुनाव के पूर्व क्या तैयारी किया जाता है, चुनाव के दौरान क्या विधि व्यवस्था रहेगा, चुनाव के बाद क्या विधि व्यवस्था ठीक है। चुनाव के पूर्व कौन आदमी ऐसा है जो आपका क्षेत्र में थाना क्षेत्र में नहीं आता है वो ऐसा आदमी जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है पैसा से पावर से चेंज हो गया है तो BNSS में होता है 126 में कार्रवाई होता है ठीक है। अपना थाना क्षेत्र में वैसा आदमी को चिन्हित करते हैं और उसके विरुद्ध में BNSS का जो किस तरह का क्रिटिकल है या नॉर्मल है वही तरह का बूथ हो ठीक है ना, या तो क्रिटिकल होगा या तो नॉर्मल हो, जितना भी क्रिटिकल बूथ है उसमें CFPF का प्रतिनिधित्व होगा आप लोग का जितना भी जिला का रहेगा ठीक है। आपका कर्तव्य होना है जहाँ भी नॉर्मल बूथ है उसी चुनाव से पूर्व और क्या तैयारी करना है, जैसे देख रहे हैं आप लोग आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, कहीं भी अगर कोई पार्टी का भी अगर बिना मतलब अनाधिकृत समझिए बिना आदेश का अगर कहीं झंडा डंडा कोई भी अगर लगाया है मोहर पोस्टर मोहर तो सब उसको निकाला जाएगा, किसी के घर में भी अगर है तो उस तरह का नहीं उसको लगाएगा जब तक कि आदेश नहीं देगा ठीक है। जब तक DC ऑफिस से उसका आदेश नहीं होगा तब तक अपना घर में झंडा डंडा या पोस्टर किसी प्रकार का नहीं लगाएगा, सब डिफेसमेंट होगा सब हटाया जा रहा है आप लोग देख रहे हैं अपना थाना का आदेश होगा वही गाड़ी से प्रचार प्रसार होगा वही घर या ऑफिस में अपना आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। BNSS का धारा 126 से 100 जो भी आपका है उसमें करना है। इसके बाद चुनाव के दौरान जिससे सबसे मेन आता है ड्यूटी कि चुनाव के दौरान आपको क्या करना है, अगर चुनाव के दौरान आप लोग सभी का कहीं ना कहीं प्रतिनियुक्ति होगा, जिस बूथ में प्रतिनियुक्ति होगा वहाँ पे है कि लोकल आदमी के साथ किसी भी प्रकार का कोई सामान लेना देना या खाना पीना आप लोग नहीं करें ठीक। बूथ में आपका अगर ड्यूटी अगर लगा है तो किसी प्रकार से अगर लाइन है बिजली है ये है किसी प्रकार से कोई साधन दूसरा गांव वाला से नहीं लेंगे, जो आपका है पीठासीन पदाधिकारी उसके द्वारा ही जो निर्देश दिया जाएगा उसी का अनुपालन करेंगे। अब होता है कि बूथ का जहाँ पर आपका वोटिंग हो रहा है बूथ जो जान रहे हैं बूथ से 100 मीटर के दूरी में 100 मीटर का रेडियस अगर ले लीजिएगा उसके अंदर किसी भी प्रकार का इलीगल वेपन लेकर कोई नहीं प्रवेश करेगा। कोई भी आदमी जैसे अगर वोट देने आया है अगर विधायक सांसद भी है उसका जो बॉडी गार्ड है वो अंदर नहीं आएगा, जिसका आ सकता है एग्जैक्ट प्लस सिक्योरिटी जिसको प्राप्त होगा सिर्फ वही व्यक्ति एक हथियारबंद आदमी को लेकर आ सकता है वो भी सिविल में, हथियार छोटा होगा छुपा हुआ होगा, कोई भी हथियार लेके ही नहीं किया आए हैं विधायक साहब यही भी लेके चार आदमी लेके घुस गए हैं उस तरह से नहीं है, अगर सरकारी बॉडीगार्ड भी है तो 100 मीटर के बाहर ही रहे जो विधायक जी हैं नेता जी हैं अपना आएंगे वोट देंगे जाएंगे, इसके साथ अंदर प्रवेश कर सकता है जिसका जेड प्लस सिक्योरिटी रहेगा सिक्योरिटी ठीक है। बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, कोई भी आदमी जैसे वोट अगर डाल रहा है तो ये नहीं कि वोट डालते समय अपना सेल्फी ले फोटो ले और अपलोड करें, उस सबको भी देखना है फोटो भी आप लोग को अगर ड्यूटी अगर होता है तो फोटो भी नहीं लेना। बूथ के अंदर आप लोग बिना मतलब कि पीठासीन पदाधिकारी का आदेश के बिना कोई प्रवेश नहीं करेंगे, कोई अपंग व्यक्ति है अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है अगर वो आता है अगर वो कहेगा कि हमारा जो भी है कहेगा हमारा सर ऊपर में करवा के हमको वोट दिलवा दीजिए आप लोग में से कोई भी नहीं जाएगा ठीक है, उसका अपना एक साथी आएगा वो साथी उसको लेके जाएगा कैसे वोट कराएगा आपका काम नहीं है ठीक है ना। पीठासीन पदाधिकारी जो आपका होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर आपको कहेगा ठीक है उसको ये कर दीजिए चाहे जो भी मदद करने के लिए अगर बोलता है ये हमारा कहने पर फलना आदमी को बूथ से बाहर निकालिए या उसको बूथ के अंदर जाने दीजिए तो आपको सुनना, ये नहीं कि अपने मन से आया कोई है या पाई आदमी को ले जाके वोट करवा दें इसमें कराइएगा नौकरी फंस जाए ठीक है, कोई आदमी को मदद आपको नहीं करना, आपका काम है विधि व्यवस्था वहाँ पर बना के रखना है, कोई भी आदमी किसी प्रकार का हुड़दंगी ना करे सब कुछ ठीक है। आदमी जो वोट देने के लिए आता है उसका गाड़ी 200 मीटर पर ही खड़ा हो जाए, ये नहीं कि बूथ तक गाड़ी लेके आए, कोई भी आदमी होगा 200 मीटर के पहले ही आपका गाड़ी खड़ा हो जाए, सौ मीटर 200 मीटर आप लोग समझ रहे हैं किसी प्रकार का जो फोटो टोटो है आप लोग नहीं लेने दीजिएगा कि अपना फोटो सेल्फी ले रहे हैं डाल रहे हैं ठीक है ना, जहाँ पे आपको बूथ में अगर प्रश्न होगा उस जगह पर करिएगा और मोटा मोटी समझिए कि आपका यही है, और अगर बूथ में अगर किसी प्रकार का अगर कोई हुड़दंगी करता है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका उस दिन के लिए मजिस्ट्रेट है जो भी आपको निर्देश करेंगे
यथाशक्ति उपलब्ध मतलब के पास है, जो भी अगर कहेंगे जितना शक्ति का बल का प्रयोग करने कहेंगे आप लोग करना ठीक ना, उसे इंतजार में नहीं रहना है कि हमारा आदेश नहीं हुआ नहीं हुआ, वो रहता है मजिस्ट्रेट की, जो आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहेंगे कैसा करना है आपको करना है, जो भी कहें निर्देश होगा। अगर कोई बूथ कैप्चरिंग या आपका ईवीएम पोल डीवीएम को लूटने का प्रयास करता है तो उसको बचाने के लिए यथासंभव आपको प्रयास करना है, उसको बचाना है, विफल करना है ठीक है। ये हो गया आपका चुनाव के पूर्व और चुनाव के दौरान क्या आपका ड्यूटी, और जो पोल डीवीएम है उसको तो आपको पहुँचाना है स्ट्रांग रूम तक, तो आपको यहाँ तक ड्यूटी खत्म हो गया। अब चुनाव खत्म होने के बाद होता है जब मतगणना जब गिनती जब हो जाता है उस समय से विजय जुलूस निकलता है, या और किसी तरह का कोई पार्टी अपना रैली निकाला निकाला जीतने के बाद, तो उसमें भी देखना है कि किसी प्रकार का जो भी आदमी है वो गंदगी ना करे, आदेश लेके ही प्रॉपर उन लोग जो भी अगर निकालना है जुलूस तो आदेश होगा, आदेश लेके ही जाकर उस समय विधि व्यवस्था का संभारण होता है। तो यही तीन चीज़ है कि चुनाव के पूर्व क्या तैयारी करना है, चुनाव के दौरान क्या तैयारी विधि व्यवस्था करना है हमको, और चुनाव के बाद क्या करना है। सभी नवप्रणत सहायक अपने निरीक्षक का कीपिंग सेरेमनी है, और यहाँ देख सकते हैं आप सभी लाइन में लगे हुए हैं, अभी एसपी साहब आए हुए हैं, सभी को बेच पहनाएंगे। और 200 मीटर में क्या करना है, वहाँ पर जो जल्दी पाटना पार्टी वाला 200 मीटर से उधर रहना है ना, वो आपका काम नहीं है, वो बड़ा बाबू वीडियो का काम देगा, 200 मीटर पर अपना दाग लगा देगा, जिसको बचना है उधर बचना, गाड़ी भी उधर लगा, लेकिन सेक्टर ऑफिसर होने के नाते आपको टोकना है, बड़ा बाबू लोग का काम है, वो लोग लोकल है वहाँ देख रहा है, लेकिन आपको ही बोलना है 200 मीटर का उधर आप लोग देखना